अच्छा आरा भी ढूंढ लिया और आप करते हैं कि कुल्हाड़ी से काटा। चलो अब यहाँ पे ताजा ताजा देखिए, गोंद भी एकदम ताजा। कौन काट रहा है, कौन है यहाँ पे जिसने चीरा इसको बताइए। तो क्यों बोल रहे हैं आपके पास? अब आपको कुछ काम नहीं होगा, आप मुकदमा चलेगा। हाँ जी, पेड़ भी काटा हुआ है। खुशबू तो ताजी आ रही है। ये सर बना रहे, यही बना रहे। हाँ, चीड़ का पेड़। अवैध लकड़ी कटान होगी ना, तो इधर काटेंगे सर। फॉरेस्ट वाले भी हमारे साथ हैं। यही पेड़ तो काटा है, नया हरा पेड़ है। यस सर। अवैध लकड़ी कटान कौन कर रहा है? मतलब वो जेसीबी भी इस्तेमाल कर रहा है, लकड़ी भी काट रहा है अवैध। कुछ कर रहा है, इधर भी गिराया हुआ एक पेड़ क्या, उसने भी गिराया, बाद में काटेगा उसे। ये क्या प्लानिंग चल रही है? ये सभी पटवारियों को निर्देश करूँ आप संजय सर, सर सर कि ऐसे जो निर्माण है इनके बारे में पटवारियों को क्यों नहीं पता है? जी सर, उन पर क्यों नहीं होना अच्छे चलान सर सर? और यहाँ तो कई पेड़ काट डाले बिल्डर ने, अभी नहीं काटा एक तो ताज़ा पेड़। ये कटा है, ये कटे हैं सर। कौन है भाई बिल्डर यहाँ पे जो काट रहा है पेड़ ऐसे खुले आम? नाम बताइए बिल्डर का। अरे बिल्डर पूछ रहा हूँ मैं, बिल्डर बताओ किसका बन रहा। तो आप कैसे खुले आम पेड़ काटते रहे हो हरे भरे? आप लोग की इतनी हिम्मत भी हो जा रही है? जेसीबी कब आई थी, किसकी अनुमति से आई थी? जेसीबी कब आई बताओ, अनुमति दिखाइए। डेढ़ साल पहले भी आई तो अनुमति दिखाइए। आप तो चला होगा, अभी सही नहीं बता रहे ना कब है सर, गिरता रहा। कब काटा आप लोगों ने पेड़? अभी लग रहा है सर, ये तो अभी लग रहा है यहीं से गिरा। तो बड़ा संकट पड़ा आप लोगों की उसमें, मतलब किस्मत में कि हम पहुंचे यहाँ पे ताजा ताजा। देखिए गोंद भी एकदम ताजा। यस सर। कब काटा और किस चीज से काटा? कौन पहले तीन जवाब देंगे, कब, किसने और किस चीज से काटा? सर कुल्हाड़ी से काटा। कुल्हाड़ी से काटा, कब? काटने वाला कौन था? काटने वही थे। ये भी बड़ी न्यूज बनेगी कि बिल्डर्स ये सब कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सा गांव है ये? आरी से लग रहा। हाँ? आरी से लग रहा। आरी से काटा, ये तो कह रहा कुल्हाड़ी से काटा। तो एक थोड़ी काट रखा है वहां भी, तो घंटे बनाए हुए हैं आप लोगों ने, ये भी तो आप लगा रहे हो। तो फिर आप लोगों ने अच्छा आरा भी ढूंढ लिया और आप कह रहे थे कि कुल्हाड़ी से काटा। चलो अब मेरा एक और प्रश्न है कि कुल कितने पेड़ काटे अभी तक आपने, क्योंकि झूठ आप बोल नहीं पाएंगे क्योंकि गूगल अर्थ में सब मिल जाएगा हमें, हम गूगल अर्थ में गिनती कर लेंगे पेड़ों की, इसलिए आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि वरना हम झूठ बोलने का भी मुकदमा आप पे लिखेंगे। तो बोलिए आप लोग, पांच काटे ना, एक ये है, बाकी किस किस लोकेशन पे थे? ये खड्डा क्यों खोदा हुआ है? हाँ जी, तो आप क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? कैंप साइट बना रहे। तो कैंप साइट के लिए कोई ऐसे उजाड़ता है यार पेड़ों को? कैंप साइट के लिए पेड़ होने चाहिए। कैंप साइट के लिए कोई ऐसे करता है? चार पांच टेंट लगाने हैं, छोटा छोटा बेस बनाना है आपको। और किसकी जमीन है? ऊपर तो लगता है आपने जंगलात भी काट दिया है, ये तो फॉरेस्ट लग रहा है। नहीं सर जी, ऐसे पूरा करके पूरा खेत है ऐसे कर। वो जो आपने काटा है वो नाप भूमि है? हाँ सर। कैसे पता आपको? नापिएगा, ये पटवारी जी होंगे सर। तो यहाँ के पटवारी जी को कुछ भी नहीं पता, ये बड़ी हैरानी की बात। इसको ना तो प्रमोट आप आज ही नाप के। ये भी अवैध कटान का चालान होगा? चालान होगा अवैध कटान। और ये फॉरेस्ट वाले यहाँ पे आएंगे और काम इनका नहीं होगा अब सर? काम अब आपको कुछ काम नहीं होगा, आप मुकदमा चलेगा सर? ऐसे थोड़ी करते हैं यार, क्या कर रहे हो आप लोग, हद हो गई है। क्यों कर रहे हो भाई आप लोग ऐसे काम? और जेसीबी आप कह रहे हैं कि एक साल पहले आई थी, लग तो नहीं रहा है एक साल पहले आई होगी। ये टायर किस चीज के हैं? हाँ जी, गाड़ी में रेता है। रेते के हैं, तो कैंप साइट में रेते का क्या काम है? अगर आपको टेंट्स ही लगाने हैं तो रेते का तो कोई काम है नहीं ना उसमें? और भी तो दिख रहे पेड़ कटे हुए यहाँ पे, एक गिल्टा ये रखा हुआ है। और इनका अवैध खनन का भी करेंगे चलान, जो पत्थर इन्होंने काटे हैं भाई। आप कह रहे हैं कि एक साल पहले जेसीबी आई, ये एक साल पहले का लग रहा आपको? ये जो पत्थर एक साल पहले निकला हुआ लग रहा है, ये एक साल पहले निकला हुआ लग रहा है, आप खुद ही बताइए। ये जो आपको एक साल पहले खुदा हुआ लग रहा है, ये जो मलबा है एक साल पहले का लग रहा है आपको? ये तो पहले हो गया था। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं एक साल पहले हुआ है? ये जेसीबी का मालिक कौन है?
किससे मंगवाई आपने? नाम? नाम तो मुझे फोन नंबर दीजिए। नंबर नंबर भी है किसी के फोन नंबर बता। जिसके थ्रू मंगाया उसका नंबर दीजिए कि जिसके थ्रू मंगाया उसका नंबर दीजिए। मतलब ऐसा तो ठीक नहीं है ना यार कि आप कैंप साइट है करिए रोजगार करिए। कैसा रोजगार है? और ये लास्ट जेसीबी किस तारीख को आई थी? क्योंकि ये मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक साल पुराना लग रहा है। किस डेट को? छह दिन कल परसों आई। दिन में खोदती रात को खोदती है? तो मंगाई कैसे थी? यहाँ पे आने के लिए उसने किसी से बात की होगी ना? लोकेशन किसको बताई उसने? मशीन का नंबर चाहिए। किसकी मशीन का नाम? मशीन का नहीं भाई, मालिक का। एक बार जरा फोन काटो तुम पहले, जरा तुम्हारा इलाज लगता ठीक है। मैंने जब यहाँ पे ड्राइवर आया तो उसका सपना है यहाँ पे पहुँचना है? नहीं सर, उसको सपना आ गया कि यहाँ से ऊपर कटना है। तो यहाँ पे कौन संपर्क में था उसके? यहाँ से कौन ड्राइवर के संपर्क में था बताइए? तो क्यों बोल रहे हैं आपके पास नंबर नहीं है ड्राइवर का? उसका ड्राइवर का नंबर नहीं मेरे पास। तो कैसे संपर्क में आया वो? किसी के थ्रू मंगाया। भाई जब यहाँ पे आया तो लोकेशन ड्राइवर को सपने में दिखी, यहाँ आना है। आप बताओगे ना यहाँ पहुँच यहाँ पहुँच? तो किसको बताया था आपने यहाँ पहुँच यहाँ पहुँच? जिनकी मशीन है उनको बताया। उसको कैसे पता यहाँ पहुँचना है? तो उसका नंबर किसी और से क्यों मांग रहे हैं फिर आप? अगर ये शाम तक जेसीबी भीमताल थाने में खड़ी नहीं होगी ना, हम आपको बंद कर देंगे अंदर। कितने बजे तक? 6 बजे तक थाने में जेसीबी चाहिए, समझ रहे हैं? इधर बुलाओ इनको जरा, इधर का भी तो आप बताएंगे। इधर आओ, इधर इधर बुलाओ, इधर बुलाओ, इधर भैया को बुलाओ। ये जो रास्ता आपने काटा है ये आपकी अपनी जमीन है? ये सड़क से नीचे पूरे ऊपर आपकी अपनी जमीन है? ये नाप है? ना ना, ये किसी और के नाम पे है। ये गांव में किसी और के नाम पे प्राइवेट है ना? ना सर, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये प्राइवेट है ना? ये जंगलात तो नहीं है? नहीं सर। चेक करेंगे अभी। ये कहाँ से ला रहे हैं आप इसका ये बना के पट्टा? अरे किस चीज से? मशीन से बना पट्टा? ऐसे थोड़ी बनता है पट्टा? हाथ से कैसे बनेगा भैया? से पट्टा हाथ से? कहाँ आरी इसकी दिखाओ। वो मोटी वाली आरी से थोड़ी बनेगा ऐसा फट्टा? कैसी बातें कर रहे हो? उससे बनेगा ऐसा फट्टा क्या? इतना चीरना कोई मजाक बात है क्या? क्यों ले रखा है अगर मशीन नहीं चलानी तो? कहाँ से आ रहा है? सर ये उधर से आ रहा है। इसको कहाँ पे है ये दबा हुआ जो मिट्टी में? सर ये मेरा नहीं है, किसी और का है। ये किसी और की लकड़ी है? ये प्रॉपर्टी भी किसी और की ना? प्रॉपर्टी तो छोड़ के जाएगा क्या लकड़ी यहाँ पे जब उसे कुछ करना ही नहीं? कर तो तुम रहे हो। अभी लेके जा रहे थे सर, अभी ढो रहे थे यहाँ से। आप कह रहे हैं यहाँ से पेड़ आपने काटे लकड़ी बोले जा रहे हैं? ये मतलब आपका? ये किसी और का है सर। पेड़ किसने काटा है वाला? ये पेड़ भी हमने काटा है। किसने? बस वो जो आता है लकड़ी का नाम बताओ सर। किसका भाई जो आप कह रहे हैं गांव में दूसरा आदमी, उसका नाम बताओ। किसकी लकड़ी है ये? राजू जंतवाल है। राजू जंतवाल? राजू जंतवाल की लकड़ी है। पेड़ कहाँ पे था इसका? यहीं पे। लेबर कब से लगी है? कौन काट रहा है? कौन है यहाँ पे जिसने चीरा इसको? हाथ से तो इतनी चिरान हो नहीं सकती है। तार भी लगा। और हाथ से चिरान हो सकती है तो मशीन दिखाओ। और ये चिरान तो ताजी ही है। बहुत था सर, बहुत तगड़ा। काम करने वाला। ये बड़ा पेड़ काटा ना मैंने। यहाँ के रेंजर से बात कर लेना, उसे भेजना है यहाँ पे। ये लकड़ी जिनके घरों में जा रही है किसके घर में थी वहाँ भी चेकिंग होनी चाहिए। क्या नाम है आप उस आदमी का? राजेंद्र जंतवाल के घर भी जाओगे अभी आप और वहाँ चेक करोगे। और ये भी ना आपके देखना पड़ेगा ये रास्ता किसने बनाया है। फिर भाग गया वो आदमी। भाई इनको जब बिजली का कोई काम ही नहीं है तो ये भी तो चोरी की होगी बिजली भी। UPCL को भी बताओ, बुलाओ उसे। ये चेक करवाते रहा करो यार, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। फिर 2-3 साल के बाद इनको सब कुछ पक्का मिलेगा। जो तो जब हो रहा है उसी वक्त सर। तार की लाइन उधर गई, वहाँ जा रही है कि वहाँ से आ रही है? आ रही है, वहाँ से आ रही है। मतलब वहाँ से ला रही है। जा तो उसी की जमीन में रही है। हाँ। ये बिजली कब ली भाई तुमने? बिजली सर ये घर का, ये मीटर से। कब ली? उसे तो बहुत साल हो गए। बहुत साल से आप वहाँ पे क्या करते हो? सर यहाँ से लेते थे 2 महीने से। कहाँ से? किसके घर से? मीटर था ये हमारे घर से। किसका मीटर? सर लाइट के मीटर से। आपके घर से आई है? हाँ सर। कहाँ है आपका घर? यहाँ पे तो दिख नहीं रहा सर। उधर है ऊपर। कहाँ? ऊपर गांव में था सामने। कहाँ पे दिखाओ यहाँ से अपना घर। सर यहाँ से ही दिख रहा है, इधर आगे से। तो आपने इतना लंबा तार बिछाया है? ये गया था। तो आप थोड़ी बिछा सकते हो। UPCL के एक्शन को भी बुला के चलान कराओ इनका। और जितनी चोरी की बिजली है, 2 साल से 2 साल से चोरी का बिल बनाए।
दो साल से चोरी का बिल निकालेंगे ना आपका, दो साल में जितनी चोरी की है वो भी तो निकालेंगे। ऐसे अच्छी बात नहीं है। और ये कब कटना शुरू किया, ये जमीन किसकी, यहाँ पे से काटना शुरू किया? किसकी है भाई? जा तो तुम्हारे कैंप में रही है। जब जा आपके कैंप में रही है तो कोई और क्यों काटेगा? तो क्या यहाँ पे जंगल नहीं है? ठीक है, इन सब का मुकदमा अवैध खनन में चलान, बिजली का भी चेक करवाई, और कोई सरकारी जमीन है तो उसका भी चलान, पीपी एक्ट। तो ये बिजली आपने दो साल से क्यों ले रखी है? सर दो साल से नहीं है। आप ही खुद ही तो बोला दो साल से। सर लाइट के लिए रात को वहाँ रहते हैं ना। रात को क्या करते हो? सर पेड़ काटते हैं। नहीं सर। तो फिर रात को क्या करते हो? रात को जब आपके घर है तो रात को वहाँ पे क्या कर रहे हो? जेसीबी रात को आती होगी आप? ये भीमताल थाने में भी आप लोग देख नहीं रहे? जेसीबी वेसीबी एसडीएम की परमिशन दिखाएं तभी चलें। सर बहुत लंबा पड़ जाता है। चेक तो आपको रोड पे करना है ना, क्या मैंने बोला यहाँ तक आना है आपको? चेक तो सड़क पे करना है। सड़क भी दूर पड़ रही है आपको?